कंपनी, प्रायोजक डाबर आमला हेयर ऑयल, ज्यादा लंबे मजबूत खूबसूरत बाल। छोटी देवरा नहीं है ना, क्या उसका नाम? अरे यार, वो देवराज की बेटी राधा। हाँ, ये कुणाल की पहली पत्नी है और यही कुणाल आजकल वो तारा के साथ ताकत लाने की कोशिश कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच की चिंगारी है बेटी, और ये चिंगारी यशपाल खानदान को राख के ढेर में बदल देगी। लेकिन अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि इस चिंगारी को आग का रूप देना। ये शख्स किसी का घर बसा नहीं सकता, बल्कि उजाड़ सकता है। मॉम डैड आपके पास है? हाँ, बहुत जल्द जेल में नजर आएंगे। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं पुलिस को। ए, बेटी सुन, ये तेरी माँ और रवि वो दोनों मुझे जेल भेजने की सोच रहे हैं। लेकिन वो टेंशन मत ले, कुछ नहीं होने वाला मुझे, डोंट वरी। तेरा काम सिर्फ इतना है, इस बार खानदान में वो बारूद बिछा देना। धमाका मैं करूंगा, और ऐसा धमाका करेंगे ना तो उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। तू मुझे गलती से भी फोन मत कर रही, मैं तुझे फोन करूंगा। तू अगर दोबारा तूने मेरे राह में आने की कोशिश की ना, तो जिस तरह यशपाल का शुरू किया ना, उसी तरह तुझे भी खत्म कर दूंगा। देखने वाले पहले बता देता हूँ, पूजा कर तू जाके उधर। फोन कर रही है महारानी? वो किसी से नहीं बुआ जी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। कुत्ते की पूंछ को कितनी भी सीधी करने की कोशिश कर, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अपने बाप को फोन कर रही थी ना, वो देवरानी, मैं कोई बच्ची नहीं जो इस तरह झूठ बोलकर तू मुझे भगाने की कोशिश कर। मैं आज ही जाकर रवि को बताऊंगी, तेरे पास तेरे बाप का नंबर है। बुआ जी, वो डैड का नंबर काम नहीं कर रहा। मैं सब कुछ जानती हूँ, तू और तेरा बाप दोनों अपने काम में लगे, लेकिन अब तेरी चाल नहीं चलेगी, क्योंकि मेरी नजर तुझ पर है। इस बार तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। रवि करेगा तुम दोनों का इलाज, तब तुम आओगी अपनी हरकतों से बाहर। जब खुद पर टेंशन आएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा टेंशन होती क्या। कसम, घर में सबको लगता है देवयानी पर सबका राज चलेगा, जिसका जो मन होगा वही करेगा। मैं मानती हूँ वक्त बदल गया है, पर देवयानी नहीं बदली है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। राधा ने दो शादियां की है, सब तेरी मानते हैं उसे। वो इस खानदान के पीठ के पीछे क्या गोल खिला रही है, इस राज को तो मैं लाऊंगी सबके सामने।
सामने। शुरू करो। संजना, तुमने भूखे रहकर सुसाइड करने का फैसला कर लिया क्या? देखो, खाने में तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खाना तो खा लो। संजना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ओके, तुम अपना हाथ नहीं हिलाना चाहती? नो प्रॉब्लम। कम से कम मुंह तो खोलो। अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए तो सही। प्लीज अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। ओके, मुंह खोलो प्लीज। आंसू है तुम्हारे आंखों में। एक काम करो संजना, तुम इन आंसुओं को एक बार में बह जाने दो। तुम इनसे डिस्टर्ब नहीं होते? हाँ, तुम्हें गाइड देता हूं। एक काम करो, थोड़ा सा रोलो, थोड़ा सा रोलो, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा खा लो, फिर थोड़ा सा रोलो, फिर थोड़ा सा खा लो, रोलो खा लो, खा लो रोलो, रोलो खा लो। अरे बात तो संजना, वो खाने में कुछ कम या ज्यादा तो नहीं है? खाना बना कैसे? देखो ना, खाना बनाते बनाते हाथों पे दो जगह जल गए हैं। मजा नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। कुछ नहीं हुआ, अब तो कुछ खा लो प्लीज। मॉम, मुझे पूरा यकीन है आपको कुणाल से मिलके बिल्कुल निराशा नहीं होगी। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। और आपको पता है, वो हमेशा मेरी आंखों में खुशी देखना चाहते हैं, आंसू नहीं। वो तो मैं तेरे चेहरे पे देख रही हूँ। बैठो राधा। राधा, हम तारा की शादी के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है हमें तारा और कुणाल की शादी। मम्मी जी, ये तारा की जिंदगी का सवाल है और हमें बहुत सोच समझ कर ये फैसला लेना होगा। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर धोखा दे जाते हैं और फिर शादी कोई बार बार तो नहीं होती ना। मम्मी जी, तारा की जिंदगी हमारे एक फैसले पर निर्भर करती है और अनजाने में भी हमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कुणाल को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और फिर ही शादी की बात करनी चाहिए। मैं कुणाल को अच्छे से समझ चुकी हूँ भाभी। मुझे कुणाल के प्यार और उनकी सच्चाई पे पूरा यकीन है। आप जानती हैं, कुछ रिश्तों को समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता और कुछ रिश्तों को समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाती है।
तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन राधा भी ठीक कह रही है। तुम अपनी पूरी जिंदगी कुणाल के साथ बिताना चाहती हो, कम से कम हमें तो इस बात की तसल्ली हो कि हम अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में सौंप रहे हैं वो जिम्मेदारियां उठाने के काबिल है या नहीं। राधा तुम तसल्ली कर लो, और जब तुम्हें तारा की पसंद पे पूरा भरोसा हो जाए उसके बाद मैं लड़के से मिलूंगी। मॉम आप एक बार कुणाल से मिल तो लीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मुझे राधा का फैसला भी मंजूर है, और कुणाल से मैं मिलूं या राधा बात तो एक है ना। और मैं जानती हूँ वो कभी गलत फैसला नहीं करेगी। बुआ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कोई ना कोई टेंशन जरूर है, बता क्या बात है? भाभी ने डांटा क्या? नहीं बुआ। तो देवयानी ने कुछ कहा? नहीं बुआ, मॉम चाहती है कि राधा भाभी कुणाल से मिलकर अपनी तसल्ली कर लें, उसके बाद ही मॉम कुणाल से मिलेंगी। कमाल है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? सही तो कहा भाभी ने। लेकिन बुआ मैं नहीं चाहती कि कुणाल के बारे में जो भी तसल्ली करनी है वो राधा भाभी करें, मैं चाहती हूँ कि आप कुणाल से मिलकर अपनी तसल्ली कर लीजिए। अरे लेकिन राधा और मुझ में क्या फर्क है तारा? बुआ मुझे इस बारे में किसी की कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए। किसी और का क्या मतलब है तारा? अरे राधा इस परिवार का हिस्सा है, वो हमारे घर की बहू है। बुआ जी अगर तारा चाहती है तो आप काम कर लीजिए ना, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है राधा, भाभी ने ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है। भैया के डेथ के बाद पहली बार भाभी ने ये जिम्मेदारी सौंपी तुम्हें, तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी होगी राधा। और तुम तारा, ये आजकल तारा को क्या हो गया है? बुआ जी तारा ने उसके प्यार की नाराजगी बोल रही थी, और मैं उसकी नाराजगी दूर कर कर ही रहूंगी। अग्रवाल आप कौन? अरे मैडम इतनी जल्दी बुला दिया आपने मुझे, मैं आपका पुराना वफादार, आपके हर बुरे काम का भागीदार और आपके सुख दुख का इकलौता साथी। जगजीत खुशखबरी देने के लिए फोन किया है, और आप हैं कि मुझ पर ही ज्वालामुखी की तरह उबल रही हैं। मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं, समझे तुम? मैडम सॉरी मैडम जी, मैं तो आपको ये खुशखबरी देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ मैडम। दरअसल ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी अजय सर ने मुझे हैंडओवर। अच्छा
तो तुम्हें मुझसे मुबारकबादी चाहिए। इसीलिए तो फोन किया है मैडम। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तरक्की की खबर सुनकर आपको ज्यादा खुशी नहीं होगी। अब देखिए मैडम, आदमी जिन लोगों के साथ काम करता है उन्हीं से तो तरक्की की उम्मीद करता है। अब आपने तो मेरे प्रमोशन के सपने को साकार होने ही नहीं दिया, मगर अजय सर ने मेरे उस सपने को आज साकार कर दिया मैडम। अब मैं ऑफिस में उस कुर्सी पर बैठूंगा जिस कुर्सी पर कभी आप बैठा करती थी मैडम। जज जी, इतना ऊंचा मत उड़ो कि कभी गिर पड़ो तो संभलना मुश्किल पड़ जाए। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, वक्त बदलते तेज। फोन काट दिया। एनीवेज मैडम, जगजीत को वक्त के साथ बदलना बहुत अच्छी तरह से। आपको क्या लगता है, मॉम ने एक बार बोल दिया तो आप मेरी जिंदगी की मालिक बन गई? कुणाल ठीक कहता है, जो लोग ऊपर से बहुत सीधे दिखाई देते हैं अंदर से वो बहुत टेढ़े होते हैं। अच्छा, और क्या कहता है तुम्हारा कुणाल दोस्त? सच बात तो ये है भाभी कि मुझसे ज्यादा कुणाल आपको पहचानता है। और तुम कुणाल को कितना पहचान पाई हो? मैं कुणाल को जान पाई हूँ या नहीं, पर मैं आपको नहीं पहचान पाई। याद है आपको जब मैं अब्रॉड से वापस आके अजय भैया की शादी से पहले आपसे मिलने आई थी? मुझे लगा था कि आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं, पर मैंने अपनी नहीं आपकी सच्चाई पर भरोसा किया। एक बार मानती हो ना कि दुनिया में तकदीर नाम की भी कोई चीज होती है? पहले नहीं मानती थी, लेकिन अब मान रही हूं। के चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही जो शादी से पहले हर लड़की के चेहरे पर होती है? ओके, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। शो आ सकती हूँ ना? शो, थैंक यू, बाय बाय। कुणाल का अंदाजा गलत नहीं है, अजय भैया और आपकी शादी आपकी खुशी से नहीं होगी। खुशी के लिए जीना तो सबसे आसान है, और मैंने अपनी जिंदगी में आसान रास्ता नहीं चुना। ओह प्लीज भाभी, नहीं वेट, आपने जो भी रास्ता चुना हो, पर आप मेरे और कुणाल के बीच में क्यों आ रही हैं? मैं नहीं, तुम्हारा कुणाल हम दोनों के बीच आ गया है। तुम समझदार हो, अच्छे बुरे में फर्क जानती हो, या मैं जानती हूँ तारा, पर तुम ही सोचो जो इंसान हमारे रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर सकता है उस पर मैं कैसे भरोसा करूं? और जब तक मुझे उस पर भरोसा नहीं हो जाता तुम उसके साथ शादी के सपने नहीं देखो। तारा, जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है, और मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं, हमेशा खुश देखना चाहती हूँ तारा। अगर कुणाल को तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है, तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना है, तो उसे अपने प्यार का इम्तिहान देना होगा। इंडस ना जाने वक्त की कदर करना कब सीखेंगे।
साहब आप भैया अंदर रहिए। मिस्टर विशाल, इस वक्त मैं यहाँ आपकी बीवी के लिए नहीं, आपके लिए आया हूँ।